इस मानसून सीजन में काफी कम बारिश और घटते जलस्तर से उड़ीसा के किसान परेशान हैं। उनकी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। इस साल 1 जून से 31 अगस्त के बीच केवल 661.1 मिलीमीटर बारिश हुई। यह सामान्य बारिश 935.8 मिलीमीटर से 29% कम है। अगस्त में स्थिति सबसे खराब हो रही है और इस महीने बारिश में 44% की कमी दर्ज हुई। मानसूनी भारी बारिश की कमी के कारण राज्य में सूखे जैसी हालत हो गए हैं और 2 दशक में कम बारिश होने के कारण पहली बार ऐसी स्थिति बनी है। राज्य के कई इलाकों में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है और इसका सीधा असर खेती पर पड़ा है और खरीफ फसलों की रोपाई बुवाई में काफी देरी हुई है। कुछ किसानों ने अगस्त के आखिरी तक इंतजार करने के बाद मेबन ही धान की रोपाई कर दी, लेकिन अभी भी बादल रूठे हुए हैं और किसानों को फसल के भविष्य को लेकर चिंता है। इससे भी बदतर मूंगफली और मूंग की फसल की हालत है। कई क्षेत्रों में किसान धान के साथ बड़ी संख्या में इन फसलों को उगाते हैं, लेकिन मानसूनी वर्षा में कमी के कारण इन्हें भी भारी नुकसान हुआ है। जैसे जैसे तटीय राज्य में सूखे का खतरा मंडरा रहा है, किसानों में निराशा बढ़ती जा रही है। बोलांगली के कोडोबेरा गांव के 60 वर्षीय किसान रेचेका बेंचोर ने गुरुवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनकी कपास और धान की फसल कम बारिश के कारण खराब हो गई। इस बीच उड़ीसा सरकार सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक योजना लेकर आई, लेकिन यह किसान के बीच विश्वास पैदा करने में विफल रहा। इसके अलावा सरकार ने नहरों की मरम्मत के कामकाज तेज करवाने के निर्देश जारी किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी नहरों में अंतिम छोर तक पहुंचे। वहीं सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना जैसी के तहत अधिक नुकसान झेलने वाले किसानों को कार्य दे रही है, ताकि वे कुछ धन अर्जित कर सके। सिंचित क्षेत्रों में किसानों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश जलाशयों में जलस्तर काफी नीचे चला गया है। राज्य के 10 प्रमुख जलाशयों सहित लगभग 63 जलाशय हैं, जो 43 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकते हैं। हालांकि कम बारिश के कारण सब में जलस्तर काफी कम हो गया है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने बताया कि इस साल भारी बारिश में कमी के कारण ज्यादातर खरीफ फसलों की बुवाई का रकबा घटा है। धान के क्षेत्र में 1.23% कम हुआ है। वहीं ओडिशा में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन कम बारिश के कारण खेती किसानी काफी प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।